हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लासियास टेस्टी बाउल। आज हम बनाएंगे और एक हेल्दी सब्ज़ी बनाना फ्लावर के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए, सी, ई एंड फाइबर है। ये नर्सिंग मॉम्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे इन्फेक्शन से भी हमें दूर रखता है। चलिए तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का बनाना फ्लावर लिया है। इसका क्लीनिंग प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक पेटल हम ऐसे निकालेंगे और इसके अंदर देखिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इसको हमें इस तरह से निकालना है। इसी तरह से हम सारे पेटल्स निकालेंगे एक एक, और पेटल्स के पीछे ऐसे फ्लावर्स आएंगे। इसका क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, पर एक बार आपको आदत हो जाए ये बनाने का तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये हेल्दी फूड है। इसे हमें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये देखिए मैंने सारे फ्लावर्स निकाल लिया है। इसे अभी क्लीन कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। इसमें ऐसे जो स्टिक होता है, स्टिफ रहता है ये, इसे हमें निकालना है। और ये जो वाइट कलर का साइड पे होता है, इन दो चीज़ों को निकालना है। और एक मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जो स्टिफ स्टिक और ये बाजू में ही छोटा सा वाइट कलर का होता है, ये दोनों चीज़ों को हमें सारे फ्लावर्स से निकाल के क्लीन करना है। ये देखिए मैंने सारे फ्लावर्स क्लीन कर लिया है। ये फ्लावर्स निकालते समय एक स्टेज आ जाएगा जहाँ पे हमें फ्लावर्स निकालना नहीं आएगा, तब हमें दोनों साइड से इसे ऐसे कट करना है और हम पीछे का साइड भी कट कर देंगे। और ये जो बीच का पार्ट है ये हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे और फ्लावर्स होते हैं, इसलिए हमें इसे नहीं फेंकना है। ये क्लीन करने के बाद इन सारे चीज़ों को हमें छोटा सा चॉप करना है। यहाँ पे मैंने इसे प्रोसेसर में डाल दिया है, या तो आप इसे मिक्सचर जार में भी ऐसे छोटे पीसेस ग्राइंड कर सकते हैं, या तो फिर इसे आप नाइफ से चॉप कर सकते हैं। चॉप करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड ऐड करना है और 1 ग्लास ऑफ वाटर। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देते हैं, 1/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अभी हम 4 विजल्स आने तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए विजल्स आ गए हैं, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कट करने के बाद एकदम से जो ब्लैक कलर आ गया था, वो बॉईल करने के बाद एकदम से बढ़िया कलर आ जाएगा इसका। अभी इसे हमें ठंडे पानी में 3-4 टाइम्स वॉश करना है। ये मैंने ठंडा पानी ले लिया है। इसे वॉश करना इसलिए ज़रूरी है, इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, वो कड़वापन जाने के लिए हमें इसे वॉश करना चाहिए। इसे ऐसे क्रश करते हुए हम इसे वॉश करेंगे। ये देखिए वॉश करने के बाद मैंने इसे एक स्ट्रेनर में ले लिया है। अभी हम इसे प्रेस करते हुए जो भी एक्सेस वाटर है इसमें वो सब निकाल देते हैं। अभी तड़का रेडी कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, उड़द दाल 1 टीस्पून, चना दाल 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने 2 ग्रीन चिल्ली लिया है, जिसको छोटा सा चॉप कर लिया था। इसके बाद 2 रेड चिल्ली और थोड़े से करी लीव्स। इसके बाद थोड़ा सा हींग और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे और जो हमने बनाना फ्लावर बॉईल करके रखा था वो ऐड कर देंगे अभी इसमें। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। ध्यान रखिए हमने बॉइलिंग के टाइम में भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने टैमरिंड पल्प लिया है 1 टेबल स्पून। आप टैमरिंड पल्प के प्लेस में अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो आप 1 टीस्पून आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक मिक्स के बाद हम इसे 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ये अच्छे से कुक हो गया है, अभी हम स्टोव ऑफ कर देंगे यहाँ पे।
अभी इस सब्ज़ी को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स लिया है, जिसको मैंने एक 15 मिनट्स के लिए वाटर में सोक किया था। सोक करने के बाद उसका पेस्ट बना लिया है, वो हम ऐड कर देंगे, पर ये ऑप्शनल है। आप ये ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। ये सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।